तो सीएससी में जो फ्रेंड्स आपके 40 प्लस सर्विस आपको देखने को मिलती हैं, तो उन सर्विस को आप कैसे एक्टिवेट कराएंगे और किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर हम सीएससी लॉगिन कर लेते हैं। सीएससी लॉगिन करने के बाद में सीएससी के डैशबोर्ड पर आप आ जाते हैं किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पर आप लॉगिन करके जब आ जाते हैं सीएससी के डैशबोर्ड पर, तो आपको काफी सारी सर्विस है जो 40 प्लस सर्विस होती है सीएससी में, जो की आपकी इनएक्टिव रहती है, तो उनको आप किस प्रकार से एक्टिव कर पाएंगे। और जो आपने थंबनेल देखा है सीएससी का रैप एग्जाम का, तो ये तो आपको जानकारी बिल्कुल नॉलेज पता ही है फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पर इंश्योरेंस के लिए हम जाते हैं, इंश्योरेंस पर क्लिक अगर हम करते हैं तो, या हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारी सर्विस आ रही है, परंतु क्लिक हेयर का ऑप्शन हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है, और देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमें देना होता है सीएससी रैम एग्जाम, जो रैप एग्जाम होता है वो देना होता है, फिर एनआईसी एग्जाम देना होता है। तो हम उस एग्जाम को किस प्रकार से देंगे और किस प्रकार से हम उसमें पास होंगे, और आपका जब सर्टिफिकेट आ जाता है तो सर्टिफिकेट आने के बाद किस प्रकार से आप उसमें अपना जो ये सर्विस है वो एक्टिवेट कराएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे एंड से लेकर अभी तक। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे रैप, यहाँ पर देखिए रैप एग्जाम सीएससी, यहाँ पर आप लिख देंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा, जो कि सीएससी रैप क्लाउड डॉट इन का आ जाता है। तो यहीं पर आप क्लिक कर देंगे, नीचे भी आप क्लिक कर सकते हैं, दोनों वेबसाइट एक ही है फ्रेंड्स, तो क्लिक कर सकते हैं नीचे की ओर। तो देखिए यहाँ पर इसका डैशबोर्ड आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ फ्रेंड्स सर्वर या स्लो हो सकता है, तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। तो देखिए आपको दो एग्जाम तरीके के देने होते हैं। देखिए यहाँ पर आता है बीएलई आईएनएस एग्जाम, तो इसमें अगर आप जो एग्जाम देते हैं तो इसकी फीस 200 कुछ रुपए लगती है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बहुत कम सर्विसेज जो कि आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक आता है रैप एग्जाम, जो कि आप जानते हैं रैप एग्जाम अगर देते हैं तो जो इंश्योरेंस की सभी सर्विस आपको एक्टिव हो जाती है अगर आप इसे पास कर लेते हैं। इसमें आपका फीस कम होता है, इसका एग्जाम भी इजी होता है और रैप एग्जाम जो है थोड़ा टफ होता है। तो फ्रेंड्स इसे आप किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए अब मैं रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस आपको बता देता हूं। रैप एग्जाम का और सीएससी एग्जाम जो आईएनएस एग्जाम है वो एक ही है। तो फ्रेंड्स मैंने रैप एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो मैं दोबारा इसको नहीं कर सकता, तो मेथड एक ही है, तो मैं यहाँ पर ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद में देखिए आपके सामने डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, बस यहाँ पर आपका रैप एग्जाम का रहेगा अगर आप रैप एग्जाम में ओपन करते हैं तो। तो यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल आपकी सीएससी आईडी आ जाती है, आपका नाम ऑटोफिल आ जाएगा सीएससी के अनुसार। यहाँ पर अगर आपका मिडल नेम है तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो नहीं डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी जो पहले से ही आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने फादर नेम डालेंगे और यहाँ पर अपना मदर नेम डालेंगे, आपकी जीमेल आईडी पहले से ही आ जाएगी, मोबाइल नंबर जो करंट में है और जो सीएससी में लगा हुआ है वही आप डालें अगर आपके पास है तो फ्रेंड्स। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे कैलेंडर के अनुसार, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी अपनी जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज आपको फोटो देना होता है, अपना पासपोर्ट साइज फोटो देंगे जो कि 20 केवी से और 30 केवी से नीचे का होना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से फ्रेंड्स अपनी क्वालिफिकेशन आप चुनेंगे, जो भी है पोस्ट ग्रेजुएट है या 10 प्लस है या हाई स्कूल है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रहता है, आप यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देंगे। अगर ज्यादा लंबा एड्रेस है तो तीनों इन कॉलम में आप देखिए लाइन वन और लाइन टू में यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे। पिन कोड यहाँ पर आप अपना एंटर कर देंगे, पिन कोड एंटर करते ही फ्रेंड्स नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में देखिए फोटो आईडी प्रूफ में आप यहां पर आधार कार्ड दे सकते हैं, जो कि आप यहां पर अपना आधार का नंबर डालेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं 75 केवी से नीचे का जो इसका पीडीएफ है वो आपको देना होगा, यहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर देंगे। पैन कार्ड कॉपी, तो यहाँ पर पैन कार्ड यहाँ पर पहले से सिलेक्ट है, तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और इनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। एजुकेशन प्रूफ में जो भी आपने चुना है उसी को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं होती, केवल डायरेक्टली अपने जो है जो मार्कशीट का प्रूफ है वो दे देंगे और यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। आपका 350 रुपए से कुछ आपका 350 रुपए यहाँ पर कट हो जाएंगे बॉलेट से, आप सीएससी बॉलेट से काट सकते हैं, आपके सीएससी बॉलेट में पैसे होने चाहिए जब ही आपका ये कटेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप कर लेंगे रजिस्ट्रेशन। अब उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं अब उसमें आपको लॉगिन ये डायरेक्टली हो जाएंगे, और बाद में अगर आप लॉगिन भी इसमें करते हैं तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, रैप आ रहा है लिखा हुआ, तो यहाँ पर देखिए रैप लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑटो ही अपनी जो सीएससी आईडी होती है वो एंटर ऑटो फिल कर लेगा और ये आपका डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा।
लॉगिन होने के बाद देखिए फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाता है, जो कि हम पूरी एक ही वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं कि किस प्रकार से आपको क्या करना होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं, ये डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। देखिए हमारा जो हमारा यहाँ पर क्वालिफाई है और शेड्यूल भी और पास भी इधर आपको दिख रहा है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर इस प्रकार से सर्विस हमें देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं जब आप, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने आता है मॉड्यूल। तो यहाँ पर आप जब मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं तो मॉड्यूल के क्लिक करते ही आपके सामने देखिए इस प्रकार के मॉड्यूल आ जाते हैं, और यहाँ पर आप क्लिक हेयर करेंगे और मॉड्यूल में आपको पीडीएफ शो होती है, जो कि आपको 10 से 15 मिनट के लिए ओपन या थोड़ा पढ़ के देख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर भी आपको 5-5 या 2-2 मिनट उनको पढ़ना है और फिर नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर ये आपके सभी मॉड्यूल जो है कंप्लीट हो जाएंगे, लॉन्च आ जाएगा लिखा हुआ। और यहाँ पर आने के बाद में देखिए नीचे की ओर जब हम फिर से डैशबोर्ड पर जब आप सारे मॉड्यूल देख लेंगे पीडीएफ ओपन करके, ओपन जब आपकी पीडीएफ डायरेक्टली खुलेगी फ्रेंड्स इसी वेबसाइट पर ओपन होगी और वहीं यहीं पर आप देख लेंगे, तो उन सारी पीडीएफ को पढ़ लेंगे। पीडीएफ पढ़ने के बाद में आपके सामने देखिए मॉड्यूल का ऑप्शन, देखिए 16/16 है, तो आप जब 16/16 पढ़ लेंगे तो मॉड्यूल कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन का ऑप्शन आता है, जो कि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने फ्रेंड्स देखिए एक इस प्रकार की विंडो आती है। विंडो आने के बाद में देखिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो ऑनलाइन है वो एग्जामिनेशन दे दिया है। देखिए प्लीज रीड ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। और आपका एग्जाम के लिए आपको आपके लैपटॉप में या तो वेबकैम अटैच होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर लैपटॉप में कैमरा है तो वही चलेगा। और ये 10 बजे से 5 बजे तक होता है मंडे टू फ्राइडे, तो सैटरडे के और शनिवार मतलब रविवार के दिन फ्रेंड्स ये एग्जाम नहीं होते हैं। तो हम आपको बता देते हैं एग्जाम करने के बाद, और मैं आपसे बता देता हूँ एग्जाम आप कहाँ पर किस प्रकार से इसके एग्जाम जो कि आपको तैयारी करनी है वो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि इसके जो आपको क्वेश्चन आंसर जो मॉड्यूल है वो इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे। अब जो आपका एग्जाम होता है फ्रेंड्स वो तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है फ्रेंड्स, कन्वर्ट होकर आपको क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ दिखाई देगा और इंग्लिश में भी, तो वहां पर पढ़ सकते हैं। और जो आपको इसमें मॉड्यूल दिखाई देते हैं या फिर जो इसका सिलेबस दिखाई देता है तो वो फ्रेंड्स आपको इंग्लिश में ही प्रोवाइड दिखाई देता है इसमें। तो आप सीधे यूट्यूब पर इस वाले चैनल पर आ जाएंगे। इस चैनल पर आने के बाद में देखिए यहाँ पर ये सर जो है काफी अच्छे से रैप एग्जाम या आईआरएफ बीएफ एग्जाम की यहाँ पर जानकारी देते हैं, तो आप इनकी वीडियो वॉच करिएगा और वॉच करने के बाद आप एग्जाम यहाँ पर दे सकते हैं। एग्जाम देने के बाद जब आप यहाँ पर रिजल्ट पर क्लिक करते हैं फिर से लॉगिन, आपको आपका स्कोर कार्ड पहले से ही दिखा दिया जाएगा। इसमें आपको 35 नंबर लाने जरूरी होते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं एग्जाम कुछ बच्चों के मन में ये टेंशन होती है कि जो रैप एग्जाम होगा वो हम देते हैं तो कितने का कितने मतलब कितने उसमें आप नंबर पर पास होते हैं, पास आउट नंबर कितने होते हैं, तो 35 नंबर पर आप पास हो जाते हैं। अगर आपके 36 नंबर भी आते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपका फ्रेंड्स ये भी कंफ्यूजन दूर होगा कि आप कितने नंबर पर पास होंगे और किस प्रकार से आपको आपका ये भी कंफ्यूजन दूर हो चुका है कि आप इसकी पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन आपको कैसे पढ़ने हैं, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और उसके बाद आपके पास देखिए सर्टिफिकेट आ जाता है इस प्रकार से, जो कि आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट देख सकते हैं और जनरेट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ जाता है, इसको डाउनलोड करके या प्रिंट करके आप रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स आ जाता है हमारे पास सीएससी की सर्विस, ये जो सर्विस हमारी आ रही है उनको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम सीएससी की सर्विस एक्टिवेट करने के लिए सीएससी की डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है नीचे सपोर्ट का, और यहाँ पर टिकट का ऑप्शन आता है। तो टिकट के ऑप्शन पर आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट टोकन का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर देखिए क्रिएट टोकन पर आप क्लिक करेंगे। क्रिएट टोकन पर क्लिक करने के बाद में देखिए आई हैव क्वेरी रिलेटेड सीएससी प्रोडक्ट एंड सर्विस पर आपको क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने देखिए इस प्रकार से टोकन कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। तो टोकन कैटेगरी किस बारे में फ्रेंड्स वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जैसे कि हम इंश्योरेंस के बारे में डाल रहे हैं तो इंश्योरेंस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर कई सारे इंश्योरेंस आ जाते हैं, तो आप कोई सा भी इनमें से इंश्योरेंस ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि सर्विस सभी एक साथ एक्टिवेट होती है, तो आप कोई भी जो है इनमें से चुन सकते हैं। तो चुनने के बाद में देखिए यहाँ पर बहुत सारे आ जाते हैं, तो आप कोई सा भी इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट में आपको लिखना है जो सब्जेक्ट है आपका क्या सब्जेक्ट रहेगा। तो हमें सब्जेक्ट में लिखना है डियर सर
जो इंश्योरेंस माई इंश्योरेंस सर्विस नॉट एक्टिव एक्टिवेटेड प्लीज एक्टिव, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसमें। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पर मैसेज में आता है, तो मैसेज में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आ जाते हैं ओपन टिकट, हमने जो कि टिकट जनरेट किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टिकट जनरेट किया था, तो सब्जेक्ट में जैसे कि देख सकते हैं माई इंश्योरेंस सर्विस नॉट एक्टिवेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने 28 मार्च को ही, जो कि 28 मार्च 2023 को ही शाम के नंबर में हमने टिकट जनरेट किया था। अब यहाँ पर देखिए डियर सर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन पासिंग एग्जाम, तो यहाँ पर यह आपका ये तो वो आ जाता है फ्रेंड्स जो हमें ये बाद में मेल आता है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जो हमने लिखना है। देखिए आई हैव पास द रैप एग्जाम, जो कि आप मैसेज में टाइप करने वाले हैं। देखिए मैसेज में आपको टाइप करना है आई हैव पास द रैप एग्जाम प्लीज सर माई आईडी शुड बी एक्टिवेटेड फॉर इंश्योरेंस सर्विस। तो यहाँ पर इस प्रकार से सब्जेक्ट जो आपका मैसेज है वो मैसेज में आप ये टाइप कर देंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट में देखें आपको ये टाइप करना है। तो देखिए फ्रेंड्स उसके बाद आपके पास सीएससी टीम से जो मैसेज आपके मेल पर और आपके टोकन के बाद भी आता है। तो देखिए आप देख सकते हैं आज 2 अप्रैल है फ्रेंड्स, 2 अप्रैल के दिन हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो देखिये यहाँ पर 2 अप्रैल 2023 12:25 PM पर ये हमारा सीएससी टीम से जो सपोर्ट मिला है हमें वापस में वो देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर क्या मैसेज हमारे सामने आता है, डियर सर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन पासिंग द एग्जाम यू हैव आपकी। कुल मिलाकर फ्रेंड्स जब आप यहां पर डाटा कर देते हैं तो ये मैसेज आने के बाद में 16 से या 7 दिन के अंदर या 15 दिन में फ्रेंड्स आपका जो लोकेशन है वो सभी जगह भेज दिया जाता है, और आपकी आईडी पर जो है जितनी भी सीएससी आईडी पर ये इंश्योरेंस की सर्विस है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, फुल गाइड हमने दिया हो आपको, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।